हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की मिठाई, जो इसमें ना मावा डालने वाली हो, ना घी, ना कंडेंस मिल्क, बस 30 चीज़ों से बनने वाली है ये मिठाई। तो आप सोचेंगे इसमें क्या डालने वाली हो आप इतना, कि बस ये भी नहीं डालूंगी, मावा भी नहीं डालने वाली हो, ना घी, ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ आप 30 ही चीज़ों से बनाने वाली हो। तो मैंने लिया है नारियल का बुरादा 250 ग्राम, शक्कर 100 ग्राम, दूध 50 ग्राम और कलर बिल्कुल थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करें क्या? गैस पे पैन चढ़ा रखा है, अब इसमें डालूंगी नारियल पाउडर या नारियल का बुरादा बोले। ये नारियल का बुरादा गीले नारियल से बनता है, ऐसे लेना है आपको। या तो फिर आपके यहाँ वो जो पानी वाला नारियल होता है ना, उसका बना लेना, उसको छील लेना, उसको फिर बारीक बारीक काट लेना और मिक्सी में चला लेना, बन जाता है नारियल का बुरादा। इसको बोलते हैं डेसिकेटेड नारियल। ये कहीं पे भी अवेलेबल है, किराना दुकान में मिल जाता है। इसको धीरे धीरे भूनना है, लो से थोड़े ज्यादा फ्लेम रखना है इसके। अब इसमें डालूंगी मैं दूध। दूध पूरा रूम टेम्परेचर पर लेना है आपको, या पूरा ठंडा नहीं लेना है, जैसे फ्रिज से निकाला वैसे, या ना गर्म करना है। इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला, इलायची पाउडर नहीं लिए हैं और ना इसमें कुछ वेनिला एसेंट लिए हैं, क्योंकि नारियल में अपना कावा एक फ्लेवर होता है, वो बहुत प्यारा फ्लेवर होता है, सभी को पसंद आता है। अब डालूंगी शक्कर जो हमने पीस कर रखी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं आप इसे। अब शक्कर डालने से पानी छूट रहे हैं, देखिए अब इसे थोड़ा सा सूखने तक के चला है। अब शक्कर की जगह खांड या नारियल का, नहीं शक्कर का बूरा ले सकते हो, नारियल का बूरा तो ये है, शक्कर का बूरा ले सकते हो या फिर मिश्री ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। बहुत प्यारी सी मिठाई बन के रेडी हो जाएंगी, बड़ी आसान है। अब ये मिठाई जमना शुरू हो गई है, अब इसमें से एक हिस्सा निकाल लेते हैं, जैसे कि ये चार भाग है समझो, इसमें से ऐसे करेंगे एक हिस्सा निकाल लेंगे। इतना सा मैं निकाल लेती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ इसका क्या करना है ना।
तब तक सस्पेंस रखिए गाइड्स। अब इसमें मैं कलर डालूंगी। अब इसमें रूह अफ़ज़ा डाल सकते हो और चुकंदर का रस डाल सकते हो। मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर चलाना है, इसे जल्दी जल्दी मिलाना है। आप इसकी जगह कोई भी कलर ले सकते हो, ऑरेंज, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, सभी कलर प्यारे हैं। मैंने यहाँ पे रेड लिया है। अब कलर पूरी तरह से बन गया है, देखिए मिक्स हो गया है अच्छी तरह। अब इसे थोड़ा बहुत जमने देते हैं। पूरी तरह जम गए हैं, अब गैस ऑफ कर लेते हैं। जो मैंने मिठाई का सफेद हिस्सा निकाल के रखा था, अब उसके बनाने जा रही हूँ मैं छोटे छोटे गोले। इस प्रकार आपको कहा था ना मैंने, जरा सस्पेंस है, तो ऐसे छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम, बिल्कुल छोटे छोटे, सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे अंगूरी वगैरह होती है ना, रसमलाई में डालते हैं, रसमलाई होती है, उसमें दूध में डालकर मिठाई बनती है, उसी प्रकार गोले बनाएंगे छोटे छोटे। अब ये मिनी बॉल्स बन के रेडी हैं, अब इसके हम बड़े बॉल्स बनाएंगे। देखिए, और ये बॉल में उसको डाल देंगे, से बड़ा बना लेते, और उसमें इसको ऐसा करें कि कचौरी जैसे उसमें भर लेते। कैसे भी हमने सफेद बॉल डाला है, वो दिख नहीं रहा है, देखिए पूरी तरह पैक हो गया। जैसे एक पूरा लड्डू का आकार ले लिया है। इसी तरह हम सारे के ऊपर गोले बना देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिठाई तो प्रतिबंध सब बता दिए, मीठे में क्या डालना है। अगर शुगर वाले हो, शुगर पेशेंट हो, तो उनके लिए क्या डालना है, उनको भी भला, उनका भी मीठा खाने का मन होता है, तो उनके लिए शुगर फ्री डालना है, वो भी खा सकते हैं, वो भी स्वाद ले सकते हैं। इसी तरह सारे बना लेंगे हम। देखिए 3 से 4 होते आ रहे हैं फ्रेंड्स।
अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेते आते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, नारियल की मिठाई बनके बिल्कुल रेडी है। चलो इसे काट के दिखाते हैं, कट लगाते हैं थोड़ा। चलो इसे काट के दिखाते हैं अभी, है ना। अंदर से जूसी, बाहर से सॉफ्ट, है ना। कितनी अच्छी दिख रही है ना मिठाई, बहुत प्यारी सी बन के मिठाई रेडी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको ये मिठाई पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नई मिठाई के साथ, नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।